हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तब चाहे वो पीसीएस हो, सीडीएस हो या एसएससी रेलवे की क्यों ना हो, यूजीसी नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखें 116वां स्थान है भारत का। दूसरा क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायु में नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो होता है जैवमंडल। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसे हम कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी सन 2010 में। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण बनता है किससे, तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से। तो ये तीन घटक होते हैं जिससे कि पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं किसके रूप में, तो याद रखें नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है, तो वो है प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, तो ये जो धारणा है वो है धारणीय विकास की। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में जोहेनसबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था या मुद्दा क्या था, तो याद रखें सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य को निर्धारित किया था, तो वे कितने थे कुल, तो 17 थे। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति को जानने हेतु क्या निर्माण किया गया था, तो याद रखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ताकि इससे यह पता चल सके कि जो देश हैं वो किस तरीके से संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें तीन चीजें शामिल हैं, वन, जल और खनिज। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस जो कि एक एनजीओ है पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करता है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से क्या दिया जा रहा है, तो याद रखें इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादकता व उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया, तो वो इको मार्क आरंभ किया था। नेक्स्ट है, धारणीय कृषि का क्या अर्थ होता है, तो धारणीय कृषि का अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाना कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, खराब ना हो। नेक्स्ट है, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है, तो याद रखें सन 2014 से 2015 के बीच में। नेक्स्ट, भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था पंजाब। नेक्स्ट है, नगरीय एवं उद्योगीकरण हानिकारक हैं कैसे, तो याद रखें संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है वो हानिकारक है नगरीकरण और उद्योगीकरण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप
अधिनियमित हुआ था तो वह कौन सा था? तो याद रखें, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT के अध्यक्ष कौन है? तो अभी हाल ही में बने हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है, NGT की स्थापना तो याद रखें सन 2010 में हुई थी। पूरी डेट है 18 अक्टूबर सन 2010। हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है W.M. एडम्स। नेक्स्ट है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन किससे संबंधित है? तो याद रखें धारणीय विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है, Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है? यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था, तो उसका नाम था Rio de Janeiro। रियो डी जेनेरियो एक शहर है जो कि ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखें 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22-23 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, वो कौन सी, वो कहाँ हुई थी? तो याद रखें न्यूयॉर्क में। विकास की वह धारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, तो ऐसे विकास को हम कहते हैं धारणीय विकास या कह सकते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों व अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, वो कौन सी है? तो याद रखें द क्लब ऑफ रोम है। नेक्स्ट है, अर्थ समिट समिट या पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था, इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की थी जिसका नाम है Agenda 21। इस सम्मेलन में 21 विषयों पे जो है निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रत्यारोपों पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते, प्रत्यारोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रूप नष्ट हो जाते हैं, इस कारण प्रतिरोपित पौधे जो हैं वो नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोम की कोश भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट है, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं किसके कारण? तो याद रखें पैक्टीन के कारण। नेक्स्ट है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, यानी पर्यावरण अपकर्ष का मतलब क्या होता है? तो याद रखें पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण व मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो ये होता है इसका अर्थ मानवीय पर्यावरणीय अपकर्ष का। नेक्स्ट है, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो ये है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम और औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। नेक्स्ट है, जैविक विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभी समय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, तो वो है GEF यानी भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी रियो समिट के दौरान जो कि 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है, UNFCCC के तहत विकासशील देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है, तो कौन कराता है? तो याद रखें वो GEF ही करवाता है यानी भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। नेक्स्ट है, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें COP7 की जो बैठक हुई थी इसमें इसकी स्थापना पर जो है निर्देश व सर्वप्रथम चर्चा की गई थी COP7 सम्मेलन में। नेक्स्ट है, वर्तमान में GEF की कार्यकारी अधिकारी या कह सकते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो वो है नाओको इशी।
नेक्स्ट है पलाची माड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में थी, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है केरल में। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है, तो वो है छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या पारित किया था? तो याद रखें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था सन 1986 में। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, का नाम बदल दिया गया है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं वो शब्द रखे जाएंगे अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। नेक्स्ट है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो वो है मसा नोबु फुफुका। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया, तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश ने। वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था, तो वो था एक सम्मेलन जो कि पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन था सन 1972 में स्टॉकहोम, मैं पहले बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो जल चक्र में होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें नागपुर में। नीरी का कार्य क्या होता है? तो नीरी का कार्य होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करना व विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान इत्यादि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैव विविधता का संरक्षण और प्रदूषण पर रोक व नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये सतत विकास का मुख्य कह सकते हैं उद्देश्य भी है और उसकी आवश्यकता भी है। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो है रियो में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था सन 1992 रियो डी जनेरियो में, जो कि एक शहर है ब्राजील का। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया, इन कार्यक्रम का नाम क्या था? तो याद रखें एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वॉन्ट, ये उसका शीर्षक था। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो हम उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? तो एक गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो वायु है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.038%। तो ये तो गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। नोबल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है वो है रेडॉन। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सी गैस उपलब्ध है? तो वो है नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी वो कौन सी गैस होगी? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कार्य जो पेड़ पौधे पौधों का नहीं है वह है वायु प्रदूषण करना। नेक्स्ट है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टान को सूक्ष्म कणों में विभक्त करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो ये स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान अभी समय लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1972 में। यूएनईपी के वर्तमान जो प्रमुख हैं उनका नाम है एरिक सोलहेम। ईपीए का पूरा नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है और जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। ईए से क्या अभिप्राय है? तो ईए का मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी।
10% का नियम संबंधित है किससे? तो याद रखें, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचने से। यानी कि यदि किसी खाद्य पदार्थ को कोई एक जीव खाता है और अगर कोई दूसरा जीव उस जीव को खा लेता है तो उसको जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो उसकी 10% ही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव से जीव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो वो है जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर होता है भूदृश्य। सो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगला वीडियो जो होगा वो मैं अभी जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, और अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में कभी कोई समस्या नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।